अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज़ौक ज़ायका ज़िंदगी। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं यम्बो से काफ़ी दूर और अमरुत से करीब करीब। फ्रेंड्स, ये लोकेशन बेसिकली एक रिमोट एरिया है। दूर दूर तक आपको यहाँ पे कोई मैन मेड बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। आज हम करेंगे यहाँ पे नाइट स्टे और साथ में इंजॉय करेंगे लाइव फिशिंग एंड कुकिंग। तो आप भी हमारे साथ रहिए और नेचर को एंजॉय कीजिए। फिशिंग का हमने सेटअप पूरा रेडी कर लिया है, लाइट्स लग रही हैं, ये देखें। फिश खेल के गई है, हल्की सी जो है वो बाइट हुई है, फिश बाइट। लेट्स सी कि फिश हुक होती है नहीं होती है। अजीम भाई, लास्ट वाले में लाइट नहीं है। और ये हमारा सेटअप है, मैं आपको अपना सेटअप दिखा दूँ। ये हमारा कैंपिंग का स्टोव है, चूल्हा है, ये कुछ बर्तन वगैरह हैं, और ये देखिए। और ये अहमद भाई ने बहुत बड़ी मछली निकाली है, इसका हम बारबेक्यू करेंगे अभी। जबरदस्त है, जबरदस्त है, पत्थर वाला बेहतरीन। ये नस्ल ऐसी है, 2 किलो है, होता छोटा है, ठोस। आज हम वेट स्केल लेकर आए। और ये अजीम भाई, अजीम भाई यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ये सारा बेट है बांगड़े पे, और ये देखिए पूरा व्यू है। ये देखिए चांद आया हुआ है, चांद की आज 13 डेट है आई थिंक। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ रोह कितना ज़्यादा कॉन्क्स पड़े हुए हैं, जो कि हम अक्सर डाइविंग में जो है हंट करते हैं। स्वीट कॉर्न की तरह इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी क्लॉन्क हैं। इसके अंदर ना एक एनिमल होता है, इनको हंट किया है मेरे ख्याल से इन चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे सारे कोरल्स हैं और ये कोरल्स के पास ही होते हैं। जान लगा रही है भाई, ये देखिए काटने के लिए जान लगा रही है। फेस फेस होता, मेकअप कर लो इसकी, स्माइल करिए। हो गया, फेंक दो। ये 1 मीटर है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, है ना? काटेगी, सब काट लेगी। प्यार कर रही हूँ उसको मैं, तो काटेगी, काटती है ना। चलो भाई, बाय बाय ईल, बाय बाय। ये किसने पकड़ी है, ये किसने कैच की है? वाओ, आफरीन ने की है, जबरदस्त आफरीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त आफरीन, जबरदस्त आफरीन है मारे, आधा जबरदस्त आफरीन। कब दिखाए आप? दाल जो है गरम हो रही है यहाँ पे, इसमें हमने कद्दू डाल के, जिसे हम लौकी कहते हैं, वो डाल के इसे हमने गला लिया और खूब घोट लिया दाल को। ये यहाँ गरम हो गई है, इसे हम गला के लेकर आए हैं। और ये सारा सामान इसका रेडी हो चुका है, वहाँ पे तड़का इस जो है वो रेडी हो रहा है। इसका नाम क्या है दाल का? कद्दू दाल। अच्छा, हमारे यहाँ कद्दू को लौकी बोलते हैं, हमारे यहाँ लौकी बोलते हैं ना उसे।
स्पेशल कद्दू चने की दाल और क्रिस्पी प्राउन टिक्कियों की होम सीक्रेट रेसिपी डिटेल फॉर्म में मैंने एक सेपरेट वीडियो में शेयर की है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगी, आप वहां जाके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट रेसिपी है, ईजी है और बहुत डिलीशियस है। मस्ट ट्राई दैट रेसिपी। फिश लग गई है माशाल्लाह से, सही 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 लगी है। अल्लाह करे हमोर हो। वो है गेंगड़ा, गेंगड़ा नहीं है। वाह जबरदस्त, ओहो जबरदस्त भाई। अहमद भाई ने जो है तड़का लगाया है। अहमद भाई ने बात करे तड़का लगाया। बैठ गया। हो गया हो गया हो गया। तू आ रही डाइटिंग के लगे थे ना कि लेने वाले। यहाँ पे झींगे के कबाब तैयार हो रहे हैं और साथ में अहमद भाई वो प्लेट ले लीजिए, वो रहे राइस। जिंदगी ने कुछ नहीं करा सिवाय वीडियो बनाने की। कोफ्ता कोफ्ते की तारीफ कर रहे हैं वो। कोफ्ते तो जब हम पहली बार इनके घर गए। कोफ्ता कोफ्ता नहीं, कुछ कोफ्ता मेरे बच्चों ने फेर रही हो। पहली बार हम इनके घर गए वहाँ पे कोफ्ते। अरे 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 हाय हाय, तो ये कोफ्ते हैं। हाय हाय हाय, ये वो कोफ्ते हैं। कोफ्ते ऐसे किसी बंदे से लड़ाई हो जाए वही उसके सर पे मार दो, वही उसका सर पे मार के फाड़ दो। फिर इन्होंने हमारे घर आके फिर इन्होंने हमारे घर आके सीखे कोफ्ते बनाने। चाय वाला ऐसे गलत बोल रहा हूँ, ये आप सीखे ना। सीखे हैं आप, बिल्कुल सीखे नहीं है। और आप एंजॉय करें। बैंगन क्या दाल? वेरी बैलेंस यार। अच्छा दाल मैं कह रहा हूं, मेरे कोफ्ते भी बहुत बैलेंस। दाल तो आलू बहुत नहीं कहते, ये दाल वो बनी है। ये मूंग और चने की दाल, मूंग और की दाल नहीं, ये मूंग और चने की दाल। दाल इतनी जोरदार है भाई, इसको अहमद को देना। अहमद को दाल अभी आ जाए, अभी बस आ जाए। बेहतरीन भाई, मैं भूखे हूं, भूखे मैं इंतजार में बैठा हूँ। और ये देखिए खाने के बाद तो क्लीन अप हो गया है, और जितना भी डिस्पोजेबल आइटम था जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है उसे हमने पैक कर लिया है, उसे हम जाते हुए जो है डिस्पोज करेंगे, जो कि इस ड्रॉपर में मौजूद है, ताकि हमारा जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहे। और फिर से फिशिंग की तरफ हम जा रहे हैं। ये स्नेक है या ईल है? ईल है ये। चलो आपको मैं दिखाती हूँ नीचे पानी की क्या कंडीशन है। ये फुल ड्राई हो गया, पानी है ही नहीं नीचे यहाँ पे। अब यहाँ बिल्कुल ड्राई हो गया है। आओ आप फिर नीचे देखा आते हैं। लो टाइड चल रही है, लो टाइड है तो पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। यहाँ तक पानी भरा होता है, ये जो यहाँ तक ये है ना, ये रहे। और यहाँ तक ये पानी बस, यहाँ पर ये पूरा पानी तकरीबन 1.5 मीटर पानी जो है वो उतर गया है। और वो ऊपर से यहाँ पे हम फिशिंग करते हैं, बिल्कुल समझ लें यहाँ पे पानी, आप चेक कर सकते हैं, मेरा पाँव भी पूरा इसमें डिप नहीं हो रहा, देख रहे हैं। ये देखिए ये इसके अंदर ऑलरेडी इसका इंसेक्ट मौजूद है, एनिमल होता है इसमें। कितना सीन शेल है। आफ्रीन बच्चे यहाँ पे देखें, यहाँ पे बच्चे
ऑलरेडी कुछ डिस्कवर कर रहे हैं। आई डोंट नो वो क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। बट आफरीन मेरे पास क्या है आपके लिए? यू विल लव इट। ओह स्टारफिश, वाओ व्हाट इज इट, लुक। ओह देयर इज अ बिग क्रैब। यू लाइक इट ना? यस। यू लाइक इट ना? आई लव दिस स्टारफिश। It looks like the octopus. Yeah. You want to hold it? Yeah. I want to hold it. Yeah, it's... It doesn't bite, right? No. It's so cute. It don't bite. So cute. Do you want to hold it? Yeah. Try. You will never get it. Yeah, you won't get a chance again. Would you like to? Wow. Now you can say that मैंने जो है लाइव स्टार फिश को होल्ड किया हुआ है। इट लुक लाइक एन ऑक्टोपस बट इसके फाइव लेग्स हैं। यहाँ फिश रॉड पे हुक हो गई है और अजीम भाई ट्राई कर रहे हैं कि इसे सेफली हम बाहर निकाल लें। रात के 3:30 बज रहे हैं और ये देखिए चांद कितना हसीन लग रहा है। सनसेट और सनराइज तो मैंने बहुत बार देखा है लेकिन मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मूनसेट। और यकीन कीजिएगा ये मेरी लाइफ का बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। सूरज सुलु होते ही हो गया है एक और खूबसूरत दिन का आगाज। सुबह के 6 बज रहे हैं और 9 बजे हैं इनकी रेस्क्यू डाइविंग की ट्रेनिंग, तो हम बस निकल रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।